अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। गुस्सा भी है, गुस्सा इसीलिए गुस्सा है, मैं इतना पढ़ लिख के जागरूक तो हो गया हूं, फिर भी क्यों हम जो बाबा साहब को सपनों को हमने सफलीभूत क्यों नहीं कर पा, वो भी एक दर्द है, गुस्सा है। ये सब चीजों को लेके हम किस तरीके से आज जो मुद्दा जो है सिर्फ सीधा उसी बात का आलम है, जो जिस कम्युनिटी जो है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज इसका अंदर जो कानून जो समस्या जो है वो क्या है, जो संविधान उसको जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उनको जो मानव अधिकार जो मिला वो अधिकार खतरे में, वो अधिकार बेसिक फंडामेंटल राइट्स, मतलब हम जितना भी बोल दीजिए जो भी बोल दीजिए वो अलग बात है, जो संविधान के अंदर हर सिटीजन को सिटीजनशिप भी एक बहुत खतरे में है आजकल, वो बात नहीं बताऊ। सो जो बेसिक राइट्स जो है वो खतरे में, वो क्यों खतरे में है, देयर इज अ लॉ है, लॉ से संविधान ने जो दिया वो प्रोटेक्शन नहीं होगा जब तक समाज के अंदर जितना भी लोग है उसको मानना बहुत जरूरी है, जब लोग नहीं मानेंगे ये मानव अधिकार को संविधान भी आपको मानव अधिकार दे दो वो सफलीकृत नहीं होगा, वही बहुत मेजर प्रॉब्लम था बाबा साहब अम्बेडकर, वो बाबा साहब अंबेडकर का ही प्रॉब्लम नहीं है, आजकल अब तक जितना भी साल हो गया संविधान आने के बाद ये सबका टेंशन हुई है क्यों कैसे हम इस मानव अधिकार को प्रोटेक्ट कर, यही टेंशन है बाबा साहब का, उन्होंने यही बताया जब तक लोग अपने आप इस हक को इस संविधान को नहीं मानेंगे तब तक आपको पॉलिटिकल राइट्स हो जितना भी हो या आप पार्लियामेंट का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो एजुकेशन रिजर्वेशन हो जो भी है वो नहीं हो पाए जब तक लोग माना है, तो इसके लिए किस तरीके से हम प्रयास करना बहुत जरूरी बात है। एक मॉरल रिकग्निशन ऑफ राइट्स बाय सोशल कंसेंस, अंबेडकर यही बोलता है एक सोशल कंसेंस होता है, क्या हम यहां पे जितना भी लोग बैठा अपॉर्चुनिटीज को डिवाइड करने में कितना लोग आगे बढ़ेंगे, अपॉर्चुनिटीज को हम अपने आप बीच में लड़ाई करना शुरू किया हमने, जब तक हम ये सोचेंगे भाई ये जो अपॉर्चुनिटी है इसी दूसरा वाले के लिए क्या कितना जरूरी है
इन ए कॉमन एक्टिविटी। मान के चलो हमारे पास अभी कॉमन एक्टिविटी है, एक अम्बेडकरिज्म है, एक कॉमन एक्टिविटी है, उसका आइडिया से लेकर हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि तो कॉमन एक्टिविटी है। यहां से बाहर चलिए, गांव में चलिए, शहर में चलिए, छोटे छोटे शहर में चलिए, वहां पे कहां हम शेयर कर पा रहे हैं रिसोर्सेस को, कहां हम शेयर कर पा रहे हैं जितना भी, कहां पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, क्या हम जाके हमारा गांव में पार्टिसिपेट करें उनका पॉलिटिकल कॉन्शियस जनरेट करने के लिए, जागरूकता करने के लिए। जब तक हम गांव में जाके जागरूकता नहीं करेंगे तब तक हमारा लोग वहां पे गुलामी के बन के जीता रहेंगे, दूसरा लोग लाश चलता रहेगा। ये नहीं है बाबा साहब का सपना जो है शेरी, तू हैव टू गो शेर भाई। कितना लोग यहां से जो गांव से जो आया दिल्ली से बाहर से, हम जब जाएंगे हॉलीडेज में कभी भी मौका मिला तो गांव पे जाएंगे, हमारे लोगों के साथ बैठेंगे, उनका हाथ में संविधान रखेंगे। ये बहुत जरूरी है, मैं बोल रहा हूं। ये तो संविधान जब उसके हाथ में रखा तो वो मानसिकता गुलामी जो है, वो जो जिस तरीका से हिंदुत्व गुलामी जो है वो उसको हम तोड़ सकते, संविधान भी तोड़ सकते, बाबा साहब भी तोड़ सकते, आप भी तोड़ सकते। आपका ताकत उतना है, आपका ताकत आप कभी भी कम मत सोचो, आपका ताकत आप कभी भी कम मत सोचो। और दो तीन बातें सर, ज्यादा मैं नहीं बात करूं, जो ये कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है, पॉवर्टी, मतलब किस तरीके से गरीबी पैदा हुआ, किसके पास जा रहे हैं पूरा पैसे। आपको याद हुआ होगा या आप न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ होगा, जिस दिन एग्जिट पोल प्रेडिक्शंस आया, मतलब एग्जिट पोल को हिंदी में क्या होता है, वो पोस्ट इलेक्शन के बाद वो प्रेडिक्शन होता है जितना लोग कितना जीतता है सिर्फ, उस दिन आप सनसेट को देखा हुआ होगा, सनसेट मतलब वो जो इकोनॉमी के पूरा मैट्रिक्स जो है 4050 करोड़, भाई ये पूरा किसका पैसे किसके पॉकेट में जा रहा है, क्यों हमारा लोग अभी तक पॉवर्टी में जी रहा है। ये जो पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है और एंटरप्रेन्योरशिप है, कितना लोग हमारे लोग एंटरप्रेन्योरशिप बन पा रहा है, और जितना भी लाइवलीहुड मतलब एक छोटा छोटा काम करके आगे चल रहे दुकानों को भी बंद कर पा रहा है, क्यों मतलब ये पॉवर्टी को किससे इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज इतना फैला हुआ है। दूसरा है सोशल इनइक्वालिटीज, देख लीजिए आप सोशल इनइक्वालिटीज के बारे में बिल्कुल नहीं बताओ, हर रोज हर घंटा जो जितना भी आंकड़ा है हमारा भाई बहनों लोगों का ऊपर ही हमला होता रहता है, माइनॉरिटीज को लोगों ऊपर हमला होता रहता है, महिला लोग सरकार से सर मेरा एक रिक्वेस्ट है अगले बार आप माइनॉरिटीज के साथ विमेन को भी जोड़ी कर लीजिए, महिला लोग वो महिला आधा परसेंट महिला लोग शोषण का पीड़ित है, आजकल एक अजीब शोषण है, महिला लोगों को भी आप ऐड कर लीजिए। बाबा साहब सपनों बहुत अच्छा तरीके से हम आगे लेके चल पाए कैसे, और जो न्यूनतम एजेंडा है मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर जितना भी डूब कर रहा है हमारा ट्राइबल, अब 10,000 ट्राइबल लोग रोड पे चढ़ा, भैया ये हमारा जंगल हमारा है, इस जंगल को तुम लूट रहा है, किस हक से तुम लूट रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन हमने हमको ये हक दिया, जिस तरीका से जहां दी राइट टू हैबिटेशन दे ओन हैबिटेशन द राइट टू टेक ओवर द, क्यों हमारा से हमारा हमारा जंगल को छीन रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। कॉन्शियस व्हाट एग्जैक्टली द पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस सॉरी द पब्लिक कॉन्शियसनेस कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी जो एक बाबा साहब होता है, हर गलत को सवाल करना बहुत जरूरी है, आजकल बहुत डर रहे हम गलत को सवाल कर रहे हैं, कोई आगे कुछ हमको अलर्ट करेंगे, कोई आगे हमारे ऊपर हमला करेंगे,
मैं एक स्ट्रक्चरल वायलेंस है सिस्टम के अंदर, इस स्ट्रक्चरल वायलेंस को सवाल करना बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया क्यों हमला होता है हमारा ऊपर, पॉवर्टी है, इलिटरेसी है, जागरूकता करेंगे, पढ़ने लिखे पढ़ने के लिए बोलेंगे, टाइम सीओ साधने के लिए मत भेजेंगे हमारे बच्चे को, नहीं है बोलो मैं हम नहीं करेंगे भाई, तुम भी करो तुम्हारा टाइम तुम ही करो, या स्वच्छ भारत हो जो भी तुम्हारा टाइम तुम ही साफ करो, हम नहीं करेंगे। जब तक हम ये नहीं कर, जब तक हम ये इस तरीके से ये नहीं रिवोल्ट करेंगे तब तक ये चलता रहे। ये जो सेक्सुअल वायलेंस जो है हम गुलामी नहीं करना चाहते, हमें कॉन्शियस अंबेडकर बनना
प्रेसिडेंट अंबेडकर के गांधी के पास गया बहुत जब अंग्रेजी का टाइम पे बाहर प्रेस लोग जब आया जब गांधी के पास गया वो सो रहा बेचारा वो कब जाता है 5 बजे तक वो सो जा नेहरू के पास गया वो भी सो रहा वो क्या है वो किसी खानदान से छोटा खानदान नहीं है बहुत बड़ा खानदान मैं अंबेडकर के पास गया वो जगह 10 बजे 10:30 बजे 11 बजे जगह तो उनसे एक ही बात पूछे भैया वहां पे गए हम वो सो रहा है दूसरा जगह पे गए वो भी सो रहा है आप क्यों जगा उन्होंने एक ही चीज बोला भैया मेरा लोग अभी तक नहीं जगा तो इसलिए भाई मेरा लोग के लिए जाते बैठा तो आप लोगों को मैं विनम्रता से बहुत पोलाइटली कमेंट से नहीं है बहुत पोलाइटली बींग ए टीचर हम जहां जहां है हम एक काम करेंगे उसका सामना एजुकेट ऑर्गेनाइज एज इट इज हमारा तकी सीमित करना अच्छा नहीं है हम सब लोग एजुकेटेड है हम सब लोग ऑर्गेनाइज्ड है हम सब लोग एजुकेट कर रहे हैं ये कॉन्शियस जो है गांव तक पहुंचाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है अंबेडकर वही सपना कर रहा था मैं सब लोग हम 2 साल या 3 साल के अंदर जहां जहां हम गाँव में जाएंगे बाकी के लोगों के साथ बात करेंगे जो आज अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।